सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हम इस समय अयोध्या हैं और अयोध्या में राम की महिमा सब जानते हैं। राम है क्या, चार पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पांव के वतन भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। राम है क्या, अगर हम पत्थर पर राम लिख देते हैं तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं, तब कहता हूँ राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर, दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर। और अभी भी विपक्ष के बहुत सारे नेता नहीं आए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए और अयोध्या की शोभा को देखिए। तब कहता हूँ हमारे गीत गुनगुने के बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादा जी ने कहा है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है, यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तब कहता हूँ आप आइए रामलला के दर्शन करिए, सुनिएगा। बीते कुछ मास से नहीं आए, बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ है जो पास से नहीं आए, कुछ है जो पास से नहीं आए। अभी ट्रेंडिंग में दो चीजें चल रही है हिंदुस्तान में, एक राम मंदिर और दूसरा हमारे मोदी जी। तो मोदी जी 22 तारीख को जो यहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे हैं रामलला मंदिर का, तो उसके ऊपर दो पंक्तियां अगर आप बिल्कुल देखिए, आप आइए रामलला का उद्घाटन करिए। तब कहता हूँ कि अगर एक कवि हृदय क्या करता है, अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, विधि के ही विधान लिखेंगे, राम पड़ी से पूरे भारत में, राम पड़ी से पूरे भारत में, बस एक राम नाम लिखेंगे, बस एक राम नाम लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।